पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने आपको डॉल्फिन पॉइंट दिखाया था। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा ओल्ड गोवा का जो फेमस चर्च है। एक्चुअली वहाँ से रवाना होकर हम ओल्ड गोवा आ गए थे। अब ओल्ड गोवा थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। क्या है ये? अच्छा, अच्छा मोल्डेड है। इन पेड़ों को देखो, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के पेड़ है, अम्ब्रेला जैसे बिल्कुल, और छोटे छोटे से ना इनको ऊपर फूल भी लगे हुए। थोड़ी सी है ना गर्मी हो चुकी है क्योंकि दिन के बज गए हैं 12। यहाँ की जो हवाएं है ना उसमें भी नमक है, इतना ज़्यादा अजीब सा है ना, हाथ चिप चिप से रहते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत होती है क्योंकि कोस्टल एरिया रह गया ना सारा, इसलिए। अपने जैसे मंदिरों में नारियल चढ़ाते हैं ना, ये तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या ये माला चढ़ा रहे हैं। माला चढ़ा के प्रेयर करते हैं कि भाई ये मेरी विश पूरी हो जाए तो मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। ये है जी ओल्ड गोवा का चर्च। इसका नाम क्या है चर्च का? ये प्रेयर कर रहे कितने साल पुराना चर्च है कुछ बता? 500 साल पुराना। बस जी, छोटा सा ही चर्च है बहुत पुराना। जैसा कि मैडम ने बताया, ये यहाँ के केयरटेकर में से एक है। 500 साल पुराना चर्च है ये। बस जी, अब यहाँ से निकलते हैं। और अभी तक तो क्या है, वैसे हम नॉर्थ के पार्ट में रुके हुए हैं। कुछ लोग उसे सेंट्रल बोलते हैं, कुछ नॉर्थ का पार्ट बोलते हैं। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि साउथ में कहीं पे घर मिल जाए तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे अगले 5-7 दिन के लिए। देखते हैं, आपको पता चल ही जाएगा। यार जनता आती तो बहुत है सुमन, यहाँ पे भी यार। हाँ बहुत। ओल्ड गोवा का नहीं है, पूरा गोवा के मेरे को लगता है सबसे फेमस चर्च यही है और सबसे पुराना भी है ना। ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है जी ये। अब स्टोरी क्या है इसके अंदर सारी पढ़ लो आप। गोवा में ऑलरेडी है सर शिव जयंती। बाकी कैंपस काफी बड़ा है इसका, पीछे तक देख रहे हो पूरा जंगल सो है ना, वो सारा कैंपस इसी चर्च का ही है। पुराना बहुत है, बहुत पुराना। देखो वैसे देखेंगे ना तो पोजीशन बड़ी जर्जर सी हो रही है, पूरे पत्थर घिस गए यहाँ पे, सारे पत्थर घिसे हैं।